इस वीडियो में आपको जल संसाधन विभाग की तरफ से एक JEE की भर्ती है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। इसमें जो है डिप्लोमा, बीटेक और ITI सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें जो है यहाँ पर ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिनसे कि आने वाले सभी JEE वैकेंसी की अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF या वैकेंसी जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाती है। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। वहां पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस PDF वगैरह मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ आपको डिटेल्स में एक एक करके बताते हैं। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग की तरफ से आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है जिसमें कि यहाँ पर आपको JEE और AE दोनों की पोस्ट है। ये आपको JEE का पोस्ट हो गया, इसमें सिविल एग्रीकल्चर, यहाँ पर आपको SDO का सब डिविजन ऑफिसर्स या आपको असिस्टेंट इंजीनियर को ही SDO भी बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स, इसमें भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे पोस्ट वर्क एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में, इसमें भी आपको जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, JEE मैकेनिकल, बहुत सारे यहां पर अलग अलग पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर यहां पर सिविल का वर्क एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में, उसके यहां पर SDO इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पावर प्लांट में, उसके बाद यहां पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, सभी मैं आपको बारी बारी से एक एक करके बताऊं। सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं इसके लिए क्या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर मांगा गया है। यहां पर बहुत सारे अलग अलग जो भी JEE का पोस्ट है यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप BE/BTECH एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप BE/BTECH सिविल इंजीनियरिंग में कर रखें तो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर BE/BTECH एग्रीकल्चर या सिविल इंजीनियरिंग, यहां पर पोस्ट का आइटम नंबर आप देखिएगा, यहां पर जो भी अलग अलग पोस्ट है उनका आइटम नंबर यहां पर दिया गया। उसके बाद और में करके यहां पर दिया गया, अगर आप यहां पर डिप्लोमा कर रखें 3 ईयर का तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो JEE का जो भी पोस्ट है उसमें अगर आप BE/BTECH कर रखें तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा कर रखें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप यहां पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में कर रखें तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आइटम नंबर 2 है, इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या अगर आप यहां पर बी नंबर में दिया गया डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आइटम नंबर 3 में अगर आप BE/BTECH इलेक्ट्रिकल या EEE से कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं, और बी में आपको डिप्लोमा या डिग्री अगर आप इलेक्ट्रिकल या EEE से कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम नंबर 4 में डिग्री या डिप्लोमा अगर आप यहाँ पर कर रखें सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पर मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, उसके बाद BSc केमिस्ट्री, ये सभी जो भी इसमें पोस्ट दी गई उनका क्या क्वालिफिकेशन है वो एक जगह यहाँ पर बताया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप सर्वे या ड्रॉगेस्टमैनशिप में कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा या डिग्री अगर आप ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कर रखें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया गया। उसके बाद आइटम नंबर 9 में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th विथ ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ITI वाले भी इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेल्डिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद यहाँ पर BSc केमिस्ट्री या फिजिक्स, उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी दिया गया है, अगर आप डिप्लोमा कर रखें मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, उसके बाद यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद आइटम नंबर 10 में डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पर MBA या BBA ग्रेजुएट, उसके बाद आइटम नंबर 14 में यहाँ पर MTech या BE/BTECH इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सभी से कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइटम नंबर 16 में जो है इसमें BE/BTECH अगर आप फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रखें या फूड प्रोसेसिंग या फूड में इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिला जुला के देखिए तो इसमें ITI, डिप्लोमा और BE/BTECH के लगभग लगभग सभी ब्रांच को यहाँ पर कवर किया गया, सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे तो जरूर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सभी पोस्ट की तो यहाँ पर जो है सभी पोस्ट मिला करके टोटल 176 पोस्ट के लिए ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कुछ पोस्ट जो है यहाँ पर गेजेटेड पोस्ट है, कुछ पोस्ट जो है नॉन गेजेटेड पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग लगभग जूनियर इंजीनियर, उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सभी का यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में मिला करके यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई। बात करिए वैकेंसी कहाँ से आ रही है, तो ये जो वैकेंसी है आपको नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, NPSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट की गई है जिसमें कि कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की नोटिफिकेशन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं,
एलिजिबल हैं तो जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर जो है आप इसमें ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, लेकिन इसमें जो कुछ रिजर्वेशन है ये वहाँ से जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा दिया गया। बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखा गया, जो कि आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी 5 ईयर्स का फॉर SC/ST कैंडिडेट और 3 ईयर का फॉर OBC कैंडिडेट, और जो गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर और भी एज में कंसेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि 80% जो सीटें हैं इनके लिए रिजर्व है, 20% सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं 80% जो सीटें हैं वैकेंसीज आज आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी, जो यहाँ पर इनके स्टेट ऑफ नागालैंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग यहाँ पर के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको आपका लिए जो है 80% सीटें रिजर्व है, 20% सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ऑल ओवर इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आज से ही स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 25 अप्रैल 2024 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो है इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन्स है तो इस नंबर पर यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क यहाँ पर दिया गया है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आपको सबमिट कर, देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है NPSC नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर आप आओगे तो यहीं पर आपको मैं ये इसी पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई ऑनलाइन के नाम से या नोटिफिकेशन के लिंक के नाम से, तो यहीं पर आप देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन अभी मैंने आपको दिखाया यहीं पर आपको दिया गया, इसकी PDFs नहीं है, यहीं पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है या लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लीजिएगा, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस कन्फर्म ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर OTP आएगा, यूजर नेम एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक करके आप इसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद बैक टू लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड जो बनाए हैं उसको डाल करके आप इसको लॉगिन करके इस फॉर्म को कम्प्लीटली सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। और हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी विल कॉस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन फी 300 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने होंगे, कन्वीनियंस फी यहाँ पर 25 एंड पेमेंट गेटवे चार्ज आज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो है 300 रुपये एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर पे करने होंगे, जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं जरूर से पे करके इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा। और आप सभी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलती रहती है, यहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडियन तो भी आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप पर अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सअप से भी आप ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। व्हाट्सअप पर भी आपको सभी अपडेट मिलती रहती है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस नंबर को सेव करके उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही मैसेज करोगे तुरंत आपको लिंक रिसीव होगा, तो वहाँ पर भी क्लिक करके आप टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप सभी जगह से ज्वाइन हो पाएंगे, सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।